मार्केट में तेजी से बिक रही नकली स्कूटी, लोगों को लग रहा लाखों का चूना। एजेंसी मालिक ग्राहकों से स्कूटी का मूल्य वसूल रहे दुगना। नकली स्कूटी पर लगाया जा रहा है ब्रांडेड कंपनी का स्टिकर और वसूली जा रही मोटी रकम। हमारे साथ समझिए खबर का पूरा मर्म, ताकि कहीं आप भी ना हो जाएं इस धोखाधड़ी का शिकार। हमारे साथ समझिए खबर का पूरा आधार। सोचिए क्या क्या नकली हो सकता है। आप कहेंगे दूध, शराब, पनीर इत्यादि, लेकिन नकली चीज बनाने वालों ने नकली स्कूटी भी बना डाली, जो देखने में बिल्कुल असली की जैसे ही लगती है। इतना ही नहीं, लोग इस स्कूटी को मोटी रकम देकर असली समझकर खरीद भी रहे हैं। आज हम आपको इसी बारे में सिलसिलेवार खबर समझाने जा रहे हैं, जिसे जानकर सुनकर और समझकर आपके भी पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। दरअसल मिली जानकारी के मुताबिक आगरा में फर्जी बिल, वारंटी, मोटर और कंपनी का लोगो बदलकर बालूगंज में सस्ती इलेक्ट्रिक स्कूटी बेची जा रही थी, जिस कंपनी का स्टिकर लगाकर ये स्कूटी बेची जा रही थी। जब ये बात उस कंपनी तक पहुंची तो कंपनी वालों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस टीम ने बालूगंज स्थित चावला एंड सन्स के शोरूम पर छापा मारा, जहां से पुलिस को 7 नकली स्कूटी बरामद की गई। तहरीर पर पुलिस ने धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले को लेकर कंपनी के CEO ने मीडिया को बताया कि नकली इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी फट सकती है, ऐसी स्कूटी जानलेवा भी हो सकती है। विदित है कि फ्रेंजा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बैटरी संचालित दो पहिया वाहन बनाती है। फरीदाबाद में कंपनी का प्लांट है, वहां इलेक्ट्रिक स्कूटी बनती है। कंपनी के CEO रितेश बंसल ने बताया कि कंपनी के आगरा में 3 डीलर थे, जिनमें बालूगंज स्थित चावला एंड सन्स के मालिक गोविंद चावला भी शामिल थे। 3 महीने पहले फरवरी 2024 में कंपनी का 30 लाख रुपया हड़पने पर चावला एंड सन्स की डीलरशिप रद्द कर दी गई थी, और फिर इसी के बाद ये गोविंद चावला चोरी छिपे फर्जी बिलिंग, बैटरी, चेस नंबर, मोटर नंबर और लोगों को बदलकर फ्रेंजा कंपनी की स्कूटी बेचता रहा। पिछले महीने कई ग्राहकों ने स्कूटी की बैटरी शॉकर माइलेज की शिकायत करना शुरू की। टेक्निकल टीम ने जांच कराई तो जिन स्कूटी में शिकायत आई थी उनके चेचिस व मोटर के सीरीज नंबर अलग हैं। तो वहीं कंपनी के CEO रितेश बंसल को जानकारी करने पर पता चला कि बालूगंज से गाड़ी बिक रही है। असली स्कूटी की कीमत 60,000 रुपए, नकली स्कूटी 50,000 से 55,000 में बिक रही है। CEO ने रकाबगंज पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। इस कंपनी के कर्मचारियों के साथ पुलिस ने फर्जी स्कूटी एजेंसी के शोरूम पर छापा मारा, जहां एक ग्राहक को फर्जी बिलिंग व नकली स्कूटी बेचते हुए पकड़ भी लिया गया। शोरूम पर गोविंद चावला का भाई सुरेंद्र चावला, मैनेजर दीपक सिंह मौजूद बिक्री करते मिले। उनकी निशानदेही पर 7 नकली स्कूटी शोरूम से बरामद की गई। मौके से गोविंद चावला का भाई सुरेंद्र चावला फरार हो गया और मौके पर मिले बाकी लोगों को पकड़कर पुलिस थाने ले गई। तो वहीं इस मामले को लेकर कंपनी के CEO रितेश बंसल ने बताया कि गोविंद चावला के विरुद्ध एक मुकदमा फरीदाबाद में भी धोखाधड़ी की धाराओं में दर्ज है। नकली इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी फट सकती है, ऐसी स्कूटी जानलेवा भी हो सकती है। उन्होंने मीडिया को आगे बताया कि पुलिस से उम्मीद है कि वो ये पता लगाए कि इनका निर्माण कहां होता था, स्कूटी के हुबहू नकली टॉप मॉडल कौन बनाता था। फिलहाल इस मामले में अभी पुलिस जांच पड़ताल कर रही, ताकि नकली स्कूटी बनाने वाले गिरोह का खुलासा हो सके। आप इस मामले को लेकर क्या कहना चाहते हैं, आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर साझा कर सकते हैं। विदित है कि इस समय ये खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही, लोग खबर को खूब शेयर करते हुए लिख रहे हैं कि नकली स्कूटी को खरीदने से बचें। ब्यूरो रिपोर्ट, PDN न्यूज़।